टीचर श्री नमोस्तु रजनी जैन हिसार से शंका कर रही हैं कि जो इंग्लिश में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड मेरी, अर्थात खाओ पियो और मौज उड़ाओ, तो क्या जैन दर्शन में भी ये बात घटित हो सकती है या कुछ इससे अलग है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। खाओ पियो और मौज करो, यही तो जैन दर्शन कहता है, यही तो महावीर स्वामी कहते हैं, खाओ पियो और मौज करो। पर क्या खाओ, क्या पियो और कैसे मौज करो, इस पर जरूर ध्यान देना है। महावीर स्वामी कहते हैं, जो भक्ष है जिसमें जीव हिंसा ना हो उसे खाओ, जिसमें जीव हिंसा ना हो उसे पियो, और अपने ध्यान में मस्त हो जाओ तो मौज करो। आप मौज करेंगे, आपको मौज मस्ती मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगी। इसलिए खाओ पियो मौज करो, ये तो बहुत अच्छा नारा है, हमारे धर्म में तो अच्छा लागू होता है। कहते हैं हिंसा नहीं हो, ऐसे वस्तुओं को खाना पीना है, इस बात का ध्यान रखना। अवक्ष वस्तु, असेवनीय वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। मुनिराज क्या करते हैं, खाते पीते हैं और मौज करते हैं, शुद्ध आहार खाते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं और सदा ही समता में मौज करते हैं, ध्यान में मौज करते हैं, भक्ति में मौज करते हैं। बिना उसके मौज मस्ती कहाँ मिल सकती है? तुम जो मौज मस्ती करते हो, खाते हो पीते हो मौज मस्ती करते हो, वो तो पाप की दुनिया है, वो पाप की दुनिया है। आप जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो पी लिया, और फिर जो है गलत संगति से मौज मस्ती करते हो पाप का अर्जन करके। मौज मस्ती करना है तो पाप का अर्जन नहीं करके, पाप को घटा करके, पाप को नष्ट करके मौज मस्ती करो। कैसे? भक्ति पढ़ करके, धर्म ध्यान करके, मंदिर जा करके, तीर्थ वंदना करके, गुरु के उपदेश सुन करके, दान पुण्य करके, ये है आत्मा की मस्ती, असली मस्ती, सच्ची मस्ती यही है, और इसी मस्ती में मौज है। लेकिन जो भोगों में मस्त रहता है, तो वो समझ लेना जिसके पास भोग है उसके पास रोग है, और जिसके पास रोग है वो मौज कहाँ हो सकती है, उसके जीवन में मस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, तुम खाओ अच्छा खाओ, पियो अच्छा पियो, और मौज जीव आत्मा का आनंद लो अध्यात्म से, भेद ज्ञान से। इसलिए ये पंक्ति भी हमारे यहाँ बिल्कुल लागू होती है, लेकिन जैसे तुम्हारी लागू होती है वैसे नहीं। जो मन में आया खाया, जो मन में आया पिया, जैसे घूमे फिरे, डांस ड्रिंक ड्रामा, ये सब कुछ नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ये पाप का आचरण है जिससे दुख की प्राप्ति हुआ करती है। आचार्य श्री नमोस्तु अजित प्रसाद जैन सब्जी मंडी आरपुरा से शंका कर रहे हैं दिल्ली से, कि गौशाला की रक्षा जैन समाज कैसे करे, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। महावीर स्वामी ने कहा है, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही विशुद्ध है जो दया से सहित है। जिसके पास दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जैन समाज जो है अहिंसा प्रधान समाज है, जहाँ पर जीवों पर दया करना, करुणा करना पहली प्रथम पाठशाला में सिखाया जाता है। और जैन समाज ऐसे जीव जंतुओं का बिल्कुल इतना ध्यान रखता है, जिसके कारण वह जो जीवों का संरक्षण और संवर्धन करता है, जैसे गाय है, बैल है, और भी ऐसे जानवर हैं जिनका, ये पालतू जानवर होते हैं, इन पालतू जानवरों का संरक्षण संवर्धन करना बहुत जरूरी है। शांति धारा में भी हम इन जानवरों का नाम लेते हैं कि इनमें कोई महामारी आदि ना फैले। तो जैसे गौशाला आदि हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जानवरों को अच्छा भोजन दिया जाए और इनका ध्यान रखा जाए, बंधे बांध करके न रखा जाए, और समय समय पर पानी आदि दिया जाए, संरक्षण हो, लोगों को इस पे दया के भाव से दान देना चाहिए, जिससे इन पशुओं का संरक्षण और संवर्धन हो सके। और भी अनेक प्रकार से हम जो है गौशाला आदि का संरक्षण कर सकते हैं, और अपना समय दे करके, अपनी संपत्ति दे करके, अपना श्रम दे करके अनेक प्रकार से इसका संरक्षण करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु, संजय जैन करनाल से शंका कर रहे हैं कि हम लोग श्रावक लोग पूजा विधान आदि करते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो?
कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य से। दिन रात पूजा करते हैं हम लोग अपने भगवान की, अपने गुरु, अपने शास्त्र की, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। महानुभाव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अनुभव जो है हमें नहीं होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को ही स्वीकार करते हैं। मन से, वचन से, काया से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को ही समर्पित हैं। यदि ऐसा, यदि आप दृढ़ता के साथ कह सकते हो और जान सकते हो ऐसा, तो निश्चित ही हमको जो है व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो ही गई है। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन तो प्राप्ति जो है मुनि अवस्था में ही होगी, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसी होती है, मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, पर पदार्थ जो है मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, ऐसा स्वरूप से भेद उसका करना, अन्न अन्न करना, मिले हुए जो पदार्थ हैं उनको भिन्न भिन्न करना, स्वरूप से, उसके जो है स्वभाव से जान करके, ऐसा ज्ञान यदि हो गया है तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ही है। अच्छी तरह से सात तत्वों को जानना, अच्छी तरह से नौ पदार्थ आदि को जान लेना, उनके स्वरूप को जानना, और जान करके ऐसा ही है ऐसा मानना, तो जो ये मान्यता है, इस मान्यता का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, इस मान्यता का नाम ही तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये भगवान निर्गंत वीतरागी हैं, अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, ये हमारे गुरु निर्गंत आचार उपाध्याय साधु हैं, और यही मोक्ष मार्गी हैं, ऐसा जान करके इनको मानना कि ये पंच परमेष्ठ ही है ऐसा मानना, यही तो सम्यक दर्शन है। इनके द्वारा जो कहे गए जो शास्त्र हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, आचार, ब्रह्मचर और अपरिग्रह आदि की बातें हैं, जो अनेकांत स्यादवाद से सिद्धि जिनकी होती है, ऐसी महावाणी पर श्रद्धान करना ही तो क्या है, सम्यक दर्शन है। हम इस प्रकार के सम्यक दर्शन को जो है जानते हैं, तो इस प्रकार का सम्यक दर्शन तो हमको हो ही सकता है ना, तो इसलिए आप कट्टर बनो कि हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र ही हैं, इनके चरणों के में बैठकर ही, इनको ही हम मानकर ही अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे, अन्य से नहीं, वस्त्रधारियों से नहीं। वस्त्रधारी कोई गुरु नहीं होते हैं, वस्त्रधारी कोई परमात्मा नहीं होते हैं, ऐसा श्रद्धान करो और निर्गंत मुनियों के पास जाओ, निर्गंत परमात्मा के पास जाओ, उनसे बैठो और उन जैसे बनने की भावना रखो कि आपसे ही मेरा कल्याण होगा, वीतराग धर्म से ही मेरा कल्याण होगा। जब ऐसा विचार आएगा, ऐसा भाव आएगा और आपको ऐसा एहसास हो रहा हो, ऐसा अनुभव हो रहा हो, तो समझना कि आप जो हैं सम्यक दृष्टि हो गए हैं, सम्यक दृष्टि बन गए हैं। तो ये कितना सरल है सम्यक दृष्टि होना, व्यवहारी सम्यक दृष्टि होना, ठीक है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिना टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिना टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएँ भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएँ और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे